है और देख सकते हो क्या क्या सब्जी लाया है भाई। तो भिंडी है, टमाटर भाई सब मस्त सी क्वालिटी, देखो टमाटर, और बरबट्टी है भाई। ये टमाटर वाले हाँ भाई, भिंडी वाले बरबट्टी वाले टमाटर वाले। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे सुबह के 8 और यार अपना मार्केट जाने का टाइम हो गया है, लेकिन ना आज मौसम पूरा बेईमान है भाई साहब, देख सकते हो क्लाउडी है, पूरा बादल छाया हुआ है ये देखो, और सुबह से ना बारिश हो रहा था, देखो रोड जो है पूरा गीला है, मतलब ऐसे मौसम में ना मज़ा नहीं आता यार, पूरा किचकिच लगता है और मार्केट जाने पे डर भी लगता है यार कि शाम को मौसम कैसा रहेगा, बड़ा रिस्की हो जाता है भाई। देखते हैं आज मंडी का क्या हाल है। वैसे तो कल ना सब्जियों का रेट एकदम से बढ़ गया था, कल बहुत ज़्यादा रेट था भाई साहब मंडी पे, 400-450 रुपये टमाटर था, 12-13 बरबट्टी भिंडी था, आज क्या रेट है भाई साहब पता नहीं यार, देखेंगे अभी जाएंगे तो चलो अभी मैं फ़िलहाल फटाफट से नाश्ता कर ले रहा हूँ, फिर निकलते हैं मंडी के लिए भाई साहब। तो भाई साहब फाइनली मैं रेडी मार्केट जाने के लिए, और ये देख सकते हो मेरा बैग, तो चलो भाई साहब बाइक से निकल रहे हैं। पहले पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी, और गाड़ी को देख सकते हैं यहाँ पास पार्क किया है, और ये देख सकते हो मंडी का हाल यार, अभी कमीशन मंडी तरह तो खाली है, सब्जी नहीं आया है, सामने किसान मार्केट सब। अभी देखो मौसम खुल चुका है, बढ़िया मस्त अच्छा लगा भाई देख के, क्योंकि बदली था ना तो मज़ा नहीं आ रहा था, एकदम बीमार लग रहा था। और अभी देखो सामने मूली लेके आए भाई, क्या रेट है मूली सर? 15 रुपये किलो मूली। क्वालिटी देखो, क्वालिटी तो बहुत मस्त है यार, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है भाई मौसम के हिसाब से, क्योंकि 15 है तो 20 बिकेगा तब सही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता 20 में बिके करके, मेरे पास 10 कम कर दूंगा। कितना कम करोगे मेरे लिए? 13 लगा दूंगा। 13 सही है यार, रेट सही है लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है भाई मूली के लिए, इसलिए मूली नहीं ले रहा सर, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मामू, अभी और कुछ सब्जी लेता हूँ मैं, उधर चलते हैं। भाई सभी मैं हूँ कमीशन मार्केट तरफ, और ये पीछे देख सकते हो भाई टमाटर का बोली हो रहा है, तो क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ टमाटर का भाई, ये देख सकते हो टमाटर क्वालिटी देख सकते हो, 210 बीस कट रहा भाई टमाटर, 210। कल जो है ना टमाटर 400-410-420 कटा था, और आज देखो आधा हो गया भाई, रेट फिर से गिर गया। तो भाई साहब अभी देखो क्या अरुण भैया के पास आए, क्या लाए अभी आज? बरबट्टी। कितने रुपए का रेट है? कितने रुपए रेट है यार, किलो कितने रुपए? 12 रुपए किलो बता रहे हैं भाई, देखो बरबट्टी को क्वालिटी लेकिन ना सही नहीं है यार आपके बरबट्टी का, पानी कीड़ा खा गया जा। पानी के नाम से कम लगाओ साहब, इतने में घर नहीं चलता, रेट कम लगाओ। मोर घर नहीं चला थे, पानी गिराई में। नहीं, अपना घर नहीं चल रहा है, 2-3 दिन हो गया मार्केट नहीं गए, एक भी रुपए नहीं कमाए हूँ, आज कम लगाओ, अगर ज्यादा बिका तो ज्यादा लगा लेना, कम बिका तो कम, एक कैरेट तोलवा दो भैया। नैन भैया एक कैरेट यही वाला? हाँ यही वाला, एक कैरेट तोल दे, एक कैरेट बरबट्टी ले ले रहे हैं भाई, 20 किलो का देता। बरबट्टी लेने के बाद मैं जा रहा हूँ टमाटर लेने, देखो सामने बोली हो रहे हैं, 200 रुपये कैरेट लेते हैं भाई, यहीं का टमाटर देख सकते हो 210 हो रहा है भाई साहब, लेते हैं टमाटर। गाइस फाइनली टमाटर ले लिया है, देख सकते हो 210 बीस कट रहा था यार, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैंने 250 रुपये कैरेट में लिया है 5 कैरेट टमाटर, ये देख सकते हो भाई, इसमें का 5 जो है मेरा है, ऊपर का 2 जो है सुनील भाई का है, और लेना भाई टमाटर, और लेना है मेरे को यार, और लेना है अभी टमाटर आ रहा है, अगर बता रहे देखते हैं, अगर कम में मिलता है ना, बोली कम कर दे तो मैं भी और टमाटर ले लूंगा भाई साहब। कमीशन की तरफ से ना टमाटर लेने के बाद मैं फिर से किसान मार्केट आया था, कमीशन में 5 कैरेट टमाटर लिया था, फिर भैया जी के पास 5 कैरेट और लिया, मतलब टोटल 10 कैरेट हो गया, यहाँ इनसे मैंने 220 रुपये कैरेट में लिया है, तो पैसा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में रेट थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे यार, आज 300 रुपए लगाए थे, लास्ट हम 220-230 में दिए, थोड़ा मार्केट डाउन हो गया आज, डाउन हो गया थोड़ा। तो गाइस पूरा सामान हो गया है, ज्यादा सामान नहीं लिया मैंने, और अभी टमाटर फिर से मंडी पे आया देख सकते हो सामने, और जो कि काफी सस्ता कट रहा है, सब 110 कट रहा है, ये देखो सब 120-130-140, पता नहीं यार रेट जो है ऐसी गिर जाता है भाई, लेने के बाद हम लोग 200-250 रुपये में टमाटर खरीदे और उधर अब 100 रुपये हो गया यार लेट से, और जिस दिन नहीं लिया रहता टमाटर उस दिन टमाटर आता नहीं है भाई, मिलता ही नहीं है, और जब पहले ले लो तो बाद में टमाटर आ जाता है, अलग ही तरह का दुख है भाई, इसमें भी ना बहुत बड़ा रिस्क है यार, चलो अब क्या कर सकते भाई, अब क्या फायदा नहीं, गणपत भैया महंगा में हम लोग ले लिया और अभी फिर टमाटर आ गया यार, भाई यार आज तो बहुत माल पहुंच गया यार, मेरे को तो भारी दुख लग रहा है भाई, यही बात है यार, वही में रखा नीचे में रखा ना,
भारी दुख भाई दुख। ये देखो 120 रुपए वाला टमाटर ये आ गया भाई, 120 रुपए कैरेट का टमाटर देख सकते हो आप लोग। और ये जो है 250 रुपए कैरेट वाला था टमाटर। गजब यार क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, मार्केट का ना समझ ही नहीं आता है भाई। तो भाई साहब अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और फाइनली अभी पहुंच रहा हूं मैं घर। तो चलो फटाफट से नहाते भाई, फिर खाना वगैरह खाते हैं, तब तक मार्केट जाने का भी टाइम हो जाएगा भाई साहब। तो भाई साहब अभी 2 बज रहे हैं और फिर से मार्केट जाने का टाइम हो गया यार। देखो अपना ऑटो भी चालू हो गया, सामान भी इस पर पिकअप हो गया है पूरा, तो टाइम ही नहीं मिला भाई एक मिनट कभी आराम करने का। खाया पिया नहाते धोने तक एक ही हो गया भाई साहब। चलते हैं अब गाड़ी पे बैठते हैं यार। ये हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मार्केट के लिए और आज ना समय ही नहीं मिला यार आराम करने के, एकदम से मेरे को थकान थकान लग रहा है भाई। भाई लोग ना यहाँ कुछ कुछ सामान और डाल रहे हैं गाड़ी के ऊपर, ये देख सकते हो आप लोग, बरबट्टी वगैरह। और निकलते हैं यार, देखते हैं आज का मार्केट का क्या हाल चाल है। अभी पहुंच चुके हैं फाइनली मार्केट और ये देख सकते हो मार्केट का हाल यार, पानी भर गया है जगह के सामने में मेरा पूरा, यहाँ पास लगाऊंगा इधर। तो गाइस फाइनली अभी दुकान लगा लिए है और देख सकते हो क्या क्या सब्जी लाया भाई। तो भिंडी है 20 रुपए किलो, टमाटर भाई साहब 15 रुपए 20 का 1.5 किलो बेच रहे हैं, मस्त सी क्वालिटी। देखो टमाटर अभी ना मैंने नीचे भाई साहब 5 कैरेट को पूरा डाल दिया, 3 कैरेट को रख दिया स्टॉक पे। और बरबट्टी है भाई और मिर्चा है थोड़ा सा, मिर्चा जो बचा वाला ये है वेडनेसडे का मिर्चा। और आज का मार्केट देख सकते हो यार, काठा कोनी नाम है मार्केट का। ये देखो मार्केट में ना आज हरी सब्जियां काफ़ी कम दिख रही है भाई, हरी सब्जियां तो दिख ही नहीं रहे है। ये देखो बहुत कम मात्रा में आया हरी सब्जियां, पूरा खाली खाली है जगह जो है। टमाटर ज़्यादा दिख रहा है पूरा रेड रेड, तो ना आज के मार्केट में एक बार चलो रेट पता करके आते हैं कि क्या रेट बिक रहे भाई। ये देखो भाई सब कटहल क्या रेट मनोज भैया, कटहल 30 रुपए किलो हम, कोई सब्जी नहीं है भाई, हर एक आइटम 30 रुपए, सब्जी कम है ना। करेला 40, करेला 40, मार्केट ना थोड़ा सा चढ़ गया है, 60 रुपए किलो। गजब गजब, चलो भाई सब चलते हैं अब आगे। देखो इधर भाई धनिया मिर्ची अदरक बेच रहा है, कितने रुपए कूड़ा है यार, 10 है सब। और वो नींबू 10 का 3 है और अदरक भाई 10 रुपए कूड़ा है, अदरक महंगा हो गया भाई 140 रुपए किलो। तो देख सकते हो 10 रुपए का इतना इतना पीस लगाया है भाई जो है। चलो चलते हैं भाई सब अब और आगे साइड इधर घूमने चलते हैं। ये देखो इधर लौकी है, एक का भाजी है चाचा करमता, ये भाई सब करमता भाजी कितने रुपये जुड़ी चाचा, 10 का 4 जुड़ी करमता भाजी देख सकते हो। और ये रहा भाई पम्पकिन, कद्दू कैसे रुपए किलो, 20 रुपए किलो है कद्दू। उधर मस्त से लाल भाजी दिख रहा है यार, ये देखो लाल भाजी पालक भाजी, पूछते हैं भाई से कितने रुपए जुड़ी, कितने रुपए जुड़ी भाई लाल भाजी, 20 का 6 है। ये देख सकते भाई लाल भाजी का जूरी देख रहा है, काफी मस्त सी क्वालिटी में एकदम रेड रेड, खाने के बाद ना 1-2 किलो खून तो बढ़ ही जाएगा है ना भाई, मस्त यार। और ये पालक भाजी कैसे दे रहे हो भैया, पालक 10 का 7 पालक भी अच्छी क्वालिटी का है भाई, ये देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है हरा हरा, 10 का 7 पीस पालक और धनिया है। और ये है भाई सब अपना खेड़ा भाजी, इसको कैसे दे रहे हो भाई, 10 का 3 जूरी भाई, 10 का 3 जूरी देख सकते हो, खेड़ा भाजी काफी बड़ा बड़ा है। और ये सामने देख सकते हो भैया कांदा भाजी लाए यार, भैया कांदा भाजी 20 रुपए किलो। ये देखो भाई कांदा भाजी, अपने छत्तीसगढ़ में ना तरह तरह का भाजी मिलता है भाई, एक से एक किस्म किस्म का भाजी। अभी फिलहाल मैं आ गया अपने शॉप पे, ये देख सकते हो भाई कस्टमर आए नहीं है, तो बैठते हैं अब वेट करते हैं भाई ग्राहक के आने का। गाइस टमाटर को ना मैं 15 और 20 का 1.5 बोल रहा हूँ, तो ग्राहक ले नहीं रहे यार, भाग रहे हैं क्योंकि बाकी लोग ना 10 ही सेल कर रहे हैं, तो मेरे को भी 10 में ही सेल करना पड़ेगा भाई, जबकि टमाटर जो है लगभग 8 से 10 रुपये खरीदी पड़ा है, अब मजबूरी है 10 बेचना, नहीं बेचूंगा तो कल क्योंकि रेट कम हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, फिर बेचना पड़ेगा भाई। देख सकते हो काफ़ी मस्त सी क्वालिटी है, क्वालिटी देख के खरीदा था मैं 15 और 20 का 1.5 बिके करके, लेकिन नहीं बिक रहा भाई। जब टमाटर देखो जब 20 का 1.5 बोल रहा था ग्राहक नहीं आ रहे थे, 10 ही रुपये में लेंगे बोल रहे हैं, 10 रुपये अभी बोनी हो रही है टमाटर की। ये टमाटर वाले, टमाटर वाले 20 वाला 10 में लो भाई। हाँ भाई भिंडी वाले, भिंडी वाले 20 हो गया भिंडी, भिंडी 20 में लो, भिंडी 20 में लो। टमाटर थोड़ी तो 10 रुपए किलो टमाटर।
टमाटर 10 चाचा। नहीं नहीं आते टमाटर को 20 का 3 मांगते भाई, 10 रुपए जबकि खरीदी पड़ा है टमाटर। समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं अब कस्टमर को मैं यार। बरबट्टी वाले टमाटर वाले तो गाइस अभी बज चुके शाम के 7 और मार्केट यार देख सकते हो मार्केट का हाल कुछ इस प्रकार से। और देख सकते हो टमाटर देख यार इतना सारा नीचे जो है इसको उठाना पड़ेगा, पता नहीं कितना कैरेट उठाऊंगा पता चलेगा। और 2 कैरेट तो ये स्टॉक में भाई। भिंडी और बरबट्टी को जैसे तैसे मैंने सस्ता महंगा बेच दिया, ले दे के बिका यार ले दे के। टमाटर तो नहीं बिक पाया है, कोई दिक्कत नहीं है कल बिक जाएगा। तो सोचा था कि सामान कम पड़ जाएगा एकदम धड़ल्ले से बिके करके, लेकिन ले दे के बिका भाई सब ले दे के। अभी चलो ये टमाटर है ना इसको कैरेट्स में उठाते हैं और देखते हैं यार कितना कैरेट है टमाटर का। वही पूरा सामान उठा लिया है और उठा के गाड़ी भी पिकअप हो गया देखो भाई लोग का और मेला मेरा भी। तो चलो यहाँ से अब निकलते भाई घर। भाई सब फाइनली घर पहुँच गए और सामान को भी देखो अंदर कर ले, सिर्फ टमाटर ही टमाटर बचा है यार। ये देखो 1, 2, 3, 4 और ये आधा कैरेट, मतलब 4.5 कैरेट बचा है भाई। मैंने टमाटर टोटल 10 कैरेट लेके गया था और 10 कैरेट में से 2 कैरेट जो है ऑर्डर में दिया वहाँ शादी में, और बाकी का फिर ना 8 कैरेट अपन लेके गए थे मार्केट। और 8 कैरेट में से भाई साहब 3.5 कैरेट ही सेल हो पाया, 4.5 कैरेट भाई साहब बच गया है टमाटर जो है। अभी भाई साहब कितने का सेल किया हूँ भिंडी बरबट्टी और टमाटर तीनों मिला के ये देख सकते हो इतने रुपए इसका सेल किया, नहीं तो मेरा पर्स पूरा भर जाया रहता है यार। सामान जब नहीं बिकता है ना दिन भर मेहनत करो और कुछ नहीं मिलता है तो मज़ा नहीं आता है यार, एकदम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लगता है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हाथ पैर धोने और खाना वाना खाने, फिर उसके बाद वीडियो को एडिट करूँगा। तो यही था यार आज का अपना दिनचर्या हमारा, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग रहा लेकिन कोई नहीं, हर रोज़ एक जैसे नहीं होता, कल जो है अच्छा ही रहेगा भाई। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, चैनल पर आओ चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते फिर एक और नए वीडियो सामने, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत जय श्री कृष्ण, बाय बाय।